Hey guys, Xylus here. So, आज मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा तुम लोग एक वर्डप्रेस से अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हो अपने डोमेन पर। और बहुत आसान चीज़ है, कोई भी थीम कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, कैसी भी वेबसाइट बनानी हो तो कैसे बना सकते हो, प्लगइन कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। सो टॉपिक पे आते हैं हम। और वैसे अगर तुम्हें कोई वेबसाइट की स्क्रिप्ट चाहिए हो फ्री में, या फिर ग्राफिक्स या फिर वर्डप्रेस की थीम और प्लगइन प्रीमियम वाले, तो तुम मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो xyluscode.com। और यहाँ पर मैं फ्री में सब कुछ देता हूँ, A to Z फ्री में है। यहाँ पर मोबाइल की स्क्रिप्ट और वेबसाइट की स्क्रिप्ट जो नल्ड है, मतलब काम कर रही है, मैं इन पर भी वीडियो बना चुका हूँ कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे वर्क करती हैं चीज़ें। सो ये चीज़ तुम ले सकते हो और इनसे पैसा कमा सकते हो। सो हम टॉपिक पे आते हैं कि तुम लोग अपने वर्डप्रेस पे इंस्टॉल कैसे कर सकते हो अपनी वेबसाइट। तो ऑब्वियसली तुम्हें एक डोमेन खरीदना पड़ेगा। ये मैंने एक टेस्ट डोमेन खरीद रखा है .xyz, 99 रुपीज़ का आता है ये पूरे साल के लिए। ये सबसे सस्ता होता है और रिलायबल भी होता है, और गूगल एडसेंस का भी इस पे वो मिल जाता है अप्रूवल। तो अगर तुम बिगनर हो तो .xyz से शुरू करना, बाद में शिफ्ट हो सकते हो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर तुम्हें एडसेंस का अप्रूवल चाहिए तो कंटेंट जो है वो ओरिजिनल रखना थोड़े टाइम तक, मतलब ज़्यादातर रखना ही। और कोई भी सस्ती से होस्टिंग खरीद लेंगे अगर तुम बिगनर हो, जैसे मैंने खरीद रखी है 60 रुपीज़ पर मंथ वाली, और ये पर मंथली चार्ज होता है, मेरा पूरा ईयर के लिए नहीं होता। ONO होस्टिंग, वैसे ये वाली मत खरीदना। अगर तुम्हें होस्टिंग खरीदनी है तो है मेरी एक वेबसाइट, वो बना रखी है, यहाँ पर होगा ये वाला, चीप होस्टिंग पर मंथ के हिसाब से। तो यहाँ पर टॉप 10 है जो मैंने रिसर्च की है, इसमें वो सब नहीं आते जैसे गो डैडी वगैरह, इसमें सारे के सारे वो आते हैं जो अंडर रेटेड है। यहाँ से तुम लोग चेक कर सकते हो, और डायरेक्ट लिंक है, कोई अफिलिएट लिंक नहीं है, मैं ऐसे कुछ अर्न नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से तुम चेक कर सकते हो, इसकी भी लिंक जो होगी वो डिस्क्रिप्शन में होगा। जैसे ओएन होस्टिंग भी मैंने कर रखा है इसमें, और ये सब ये मंथली चार्जेस हैं, बिगनर्स के लिए सब सही होता है। मैंने जो स्टार्ट किया था तो ये मेरे सही था। तो हम टॉपिक पे आते हैं कि कैसे तुम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। हम जाएंगे सी पैनल पे, और मैं जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल करूँगा डोमेन पे नहीं करूँगा, सब डोमेन पे करूँगा, ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, सेम ही चीज़ है, तो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो सी पैनल पे जाएंगे हम लोग, और तो मुझे एक सब डोमेन पे इंस्टॉल करना है, मैं डोमेन पे नहीं कर रहा। तो मैं इस वाले स्टेप को अगर तुम स्किप कर सकते हो, क्योंकि मुझे सब डोमेन पे इंस्टॉल करना है, तो मैं एक सब डोमेन बनाऊंगा test.wp WordPress, और यहाँ पर क्लिक करेंगे ताकि एक रूट डायरेक्टिव बन जाए एंड क्रिएट। हो गया हमारा सब डोमेन इंस्टॉल, मतलब रेडी। और इस पे हम जाते हैं अभी, तो कुछ भी नहीं होगा इस पे, हम वापस आ जाते हैं। इस पे अभी कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि इस पे कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, कोई भी वेबसाइट की स्क्रिप्ट या फिर वर्डप्रेस या फिर कोई और वेबसाइट एडिटर इंस्टॉल नहीं है। तो हम अभी इंस्टॉल करेंगे, तो हम जाएंगे स्क्रॉल करेंगे वर्डप्रेस पे, और यहाँ पर ये फ्री में टूल्स देते हैं। अब ज़्यादा सभी क्या कहते हैं, सारी की सारी होस्टिंग देती है, ओनली टूल्स जो होती हैं फ्री में, अगर नहीं देती तो बेकार होस्टिंग है, मत लेना। तो हम जाएंगे वर्डप्रेस पे, ये वाले जो टूल्स होगा ये यहाँ पर लिखा होगा कि ये फ्री में दे रहे हैं नहीं दे रहे। हम जाएंगे यहाँ पर वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करने के लिए, वर्डप्रेस पे स्क्रिप्ट इंस्टॉल वर्डप्रेस। हमारी ये इंस्टॉलेशन पेज खुल जाएगा वर्डप्रेस के बारे में है। तो हम जाएंगे इंस्टॉल पे एंड कस्टम इंस्टॉल, क्विक इंस्टॉल भी कर सकते हो लेकिन कस्टम में ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। तो हम जाएंगे हम करेंगे कि कौन सा वर्जन हमें इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस का, तो लेटेस्ट ही करना, ये ज़्यादा रिलायबल होता है और अच्छा होता है, रिस्पॉन्सिव होता है। तो लेटेस्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर कौन से डोमेन पे तुम्हें करना है, सब डोमेन पे करूँगा तो मैं यहाँ पर ये सब डोमेन जो दिखा रहा है मैं इस पर करूँगा सब डोमेन। अगर तुम्हें डोमेन पे करना है तो ये वाला सेलेक्ट करना, और मैं सब डोमेन पे करूँगा, तो ये वाला सब डोमेन था जो हमने अभी बनाया था, और यहाँ पर ये रहा, इसमें कुछ भी नहीं है। सो हम यहाँ पर साइट का नाम देंगे कुछ भी, और टेस्ट ज़ाइलेस, यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन देंगे साइट का, इसको तुम कभी भी चेंज कर सकते हो अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल से। हम जाते हैं यहाँ पर test1 2 3, और यहाँ पर एडमिन के लिए लॉगिन आईडी पासवर्ड है, इनको याद रखना, भूलना मत, ताकि तुम इससे तुम वर्डप्रेस पे इंस्टॉल कर पाओ। तो अभी हम इसको पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं कुछ भी, क्योंकि ये टेस्ट है, तुम जनरेट मत करना, मुश्किल होता है याद रखना, अगर जनरेट करते हो कहीं कॉपी पेस्ट करके रख लेना, तो ये वाला आसान है। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ताकि बाद में याद रहे, और हमारा वो एडमिन है तो एडमिन की जीमेल आईडी जो होगी अपने ही देना। तो मैंने एक डमी आईडी बना रखी है ये वाली, मैं दे देता हूँ। और यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, फिर कौन सी भी जो सी भी लैंग्वेज है, हिंदी नहीं आती इसमें, सो इंग्लिश ही सेलेक्ट करेंगे हम। और यहाँ पर प्लगइन कौन सा इंस्टॉल करना है, तो मैं प्लगइन तुम्हें रिकमेंड करता हूँ ये वाला इंस्टॉल कर लो, क्लासिक एडिटर, इससे तुम्हें पोस्ट करने में और एडिट करने में ज़्यादा आसानी होती है, आसान होता है, और ये कुछ ज़्यादा मतलब रिलायबल भी है।
थीम हम अभी डिफॉल्ट ही रहने देंगे क्योंकि ये वाले थीम सारे बेकार हैं, इनको इंस्टॉल करने में कुछ फ़ायदा नहीं है, तो डिफॉल्ट ही रहने देते हैं ये वाला जो होता है। और यहाँ पर तुम जीमेल आईडी अपनी दे सकते हो जिस पे तुम्हें ये सारी सारी डिटेल्स पहुँच जाएंगी ताकि तुम भूलो ना। तो मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं तो मैं नहीं दूंगा, और इंस्टॉल भी लेते रहेंगे तो 2-3 मिनट में ये इंस्टॉल हो जाएगा, वेट करना है यहाँ पर। एंड दे यू गो, हो गया इंस्टॉल। सो यहाँ पर ये हमारा एडमिन पैनल की लिंक है और ये वाली वेबसाइट की लिंक है, हम इसको रीलोड करते हैं अब। एंड दे यू गो, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इस पे एडमिन पैनल पे जाते हैं, यहाँ पर एडमिन पैनल पे क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट लॉग इन करके देता है, अगर नहीं देता तो तुम लोग वाला आईडी पासवर्ड यूज़ करना, जैसे मैंने पास आईडी रखा था एडमिन और पासवर्ड था ये, तो ये यूज़ करना और तुम लॉग इन हो जाओगे। भूलना मत इस चीज़ को, कभी मत भूलना, अगर भूलते हो तो क्या कहते हैं, अगर भूल जाते हो बाय चांस तो यहाँ पर सी पैनल पर वापस आकर सी पैनल और नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ पर दिख जाएगा तुम्हें माई इंस्टॉलेशन। तो अभी हमने इंस्टॉल किया था ये वाला टेस्ट, टेस्ट की भी स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं। यहाँ से तुम लोग शो कर सकते हो पासवर्ड, डाटाबेस है ये, तो डाटाबेस खुद बन जाते हैं, बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से तुम लोग पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो, एडमिन यूज़र एंड पासवर्ड एंड अपडेट का यहाँ पर भी आ जाएगा, सेव इंस्टॉलेशन डिटेल, और वो इंस्टॉल हो जाएगा, सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। तो हम वापस जाते हैं सीपा, वापस जाते हैं अपने वर्डप्रेस पे। ये तो होता है हमारा वर्डप्रेस का जो होता है क्या कहते हैं डैशबोर्ड, जिससे तुम ये वाली साइट जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुम इसको भी रीलोड करोगे तो यहाँ पर एक वो बन जाएगा एडमिन पैनल का, देखा। अगर तुम वेबसाइट पे आते हो तो सीधे यहाँ से तुम अपने डैशबोर्ड पे एक्सेस कर सकते हो, और ये चीज़ सिर्फ तुम ही एक्सेस कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर आएंगे डैशबोर्ड पे, तो हम ये वापस इस पे आ गए। थीम इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर होता है अपीयरेंस और थीम्स, ये डिफॉल्ट थीम होता है जो इंस्टॉल होता है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर ऐड न्यू थीम एंड यहाँ पर बहुत सारे थीम खुल जाएंगे जो फ्री होंगे, ये सारे के सारे फ्री हैं, A to Z सब फ्री हैं। यहाँ से तुम अपने नीश जो होगा वो कर सकते हो, जैसे गैलरी, ब्लॉगिंग साइट, या फिर सिंगल पेज साइट, जो इन सभी तुम्हें इंस्टॉल करना है। जैसे ये वाली साइट भी बना सकते हो, जैसे यहाँ से लाइव प्रीव्यू भी ले सकते हो कि ये वाली जो साइट है वो ऐसी दिखेगी तुम्हारी। ये वाला इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ एक बारी, देखो ऐसा। अभी इसे क्रॉस करते हैं और इंस्टॉल पर क्लिक करना है, यहाँ पर इंस्टॉल, ये भी अच्छा है। तो हम एक बार ये भी इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल होंगी, अभी टाइम लेता है इंस्टॉल होने में, अभी एग्जिट मत करने वाला पेज, यहाँ पर एक्टिव करने की ज़रूरत पड़ती है। इंस्टॉल्ड एंड ये वाला भी इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल्ड। और ये सिर्फ इतने से नहीं होते, और भी होते हैं, जैसे यहाँ पर तुम क्लिक करोगे ब्लॉग एंड सर्च, यहाँ पर नए खुल गए बहुत सारे, नए खुले फीचर्ड, ये वो यहाँ से तुम चेंज कर लेना कौन से वाले भी जाना है, यहाँ पर और ज़्यादा खुलेंगे पॉपुलर। और बहुत सारी वेबसाइट्स भी होती हैं जो फ्री में तुम्हें थीम्स देती हैं, जैसे मेरी वेबसाइट है zylescode.com, यहाँ पर तुम्हें थीम्स जो है वो फ्री में मिलते हैं, डल्ट थीम। और ये अभी दो ही हैं, लेकिन मैं और हर रोज डालता हूँ तो देख लेना तुम वहाँ पर से। तो जैसे ये वाले दो थीम्स थे हमारे वो इंस्टॉल हो चुके हैं, तो हम जाएंगे वापस थीम्स पर और यहाँ से अपलोड कर सकते हो। अगर तुम कोई भी थीम डाउनलोड करते हो तो यहाँ पर अपलोड का फीचर आता है, जैसे अभी ऐड न्यू पर क्लिक करके अपलोड का फीचर, यहाँ से तुम इस वाले थीम को एक्टिव कर सकते हो, एक्टिव एंड एक्टिवेटेड। तो हम इसको रीलोड करेंगे कहाँ के साइट, यहाँ से तुम विजिट साइट कर सकते हो एंड देखो हमारा थीम चेंज हो चुका है यहाँ पर पूरा का पूरा। एंड यहाँ से तुम लोग कैटेगरीज वगैरह सब सेट कर सकते हो, ये मीटर टैग है तो इसकी इसको हटा सकते हो, जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ कैसे हटाना है इस चीज़ को। कस्टमाइज, यहाँ पर कस्टमाइज क्लिक करना है और ये चीज़ें तुम हटा सकते हो यहाँ पर लाइव प्रीव्यू के साथ। और एड्स भी डाल सकते हो, एड्स के लिए तुम्हें एक प्लगइन की ज़रूरत होती है, हम प्लगइन्स पे जाएंगे और यहाँ पर क्लासिक एडिटर इंस्टॉल होगा, जैसे मैंने कहा था ये इंस्टॉल होगा और एक्टिव एडिट भी होगा।
ये वाली चीज़ें तुम हटा सकते हो, जैसे डिलीट कर सकते हो, इसका कुछ काम नहीं होता, ये बस वर्ड पे जैसे ही दे देता है। ऐड न्यू पर ले करेंगे आप लॉगिन, अगर नहीं ऐड करनी है तो यहाँ से तुम कस्टमाइज़ कर सकते हो साइट को, से टेस्ट की स्पेलिंग गलत थी, टेस्ट एंड टेस्ट ये लाइव प्रीव्यू के साथ ठीक हो गया। एंड हेडर में अगर तुम्हें कोई इमेज डालनी है, यहाँ पर वाइट जो दिख रहा है यहाँ पर कोई इमेज ऐड कर सकते हो। बैकग्राउंड कौन सा कलर रखना है, बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं तो ये ब्लैक हो गया। और मेन्यू, मेन्यू में अगर तुम्हें नई नई चीज़ें डालनी है, यहाँ पर मेन्यू को बनाने के लिए तुम्हें कैटेगरीज भी बनानी पड़ेगी, और कैटेगरीज कैसे बनती है मैं भी दिखाता हूँ। तो यहाँ से तुम क्या कहते हैं प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे हम एड्स एंड सर्च, बहुत सारी थीम्स खुल गई, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो टॉप पे होती है जिनको रेटिंग्स अच्छी मिली हुई है वही तुम इंस्टॉल करो, वो आसान होती है यूज़ करना और फ्री होती है। तो ये वाली अगर हम इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, लाइक मैं भी इंस्टॉल ही करूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये टेस्ट ही है बस एक। और यहाँ से तुम कैटेगरीज बना सकते हो जिससे तुम मेन्यू बना सकते हो, या दैट यहाँ से तुम क्रिएट न्यू मेन्यू, नई नई चीज़ें ऐड कर सकते हो, यहाँ पर कैटेगरीज दिखना शुरू हो जाएंगी। एंड यहाँ पर हेडर क्या आना चाहिए, स्लाइडर, स्लाइडर जो है ये वाला चीज़ वो क्या होना चाहिए, ऐसे वाला है सर्च, इसको हटा देते हैं, मेटा टैग जो मैंने बताया था इसको डिलीट, डिलीट रिमूव 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 हो गया। और यहाँ पर कैटेगरीज दिख रही हैं, आर्चिव, रीसेंट कमेंट्स, और यहाँ पर चीज़ें तुम ऐड भी कर सकते हो, जैसे ऐड, और यहाँ पर तुम क्या क्या ऐड करना है, इमेज ऐड करनी है, मेटा टैग ऐड करना है, आरएसएस, कैलेंडर वगैरह वगैरह। एंड थीम ऑप्शन थी, और एडिशनल सीएसएस भी डाल सकते हो, और तुम कोडिंग आती है तो यहाँ पर तुम अपनी कोडिंग डालकर इस चीज़ को चेंज कर सकते हो। और थीम ऑप्शन मतलब थीम के लिए तुम्हें क्या क्या रखना है, जैसे स्लाइड बार जो है वो लेफ्ट होना चाहिए राइट होना चाहिए, तो ये लेफ्ट चला गया, यहाँ से करा तो ये राइट चला जाएगा। और ये लाइव प्रीव्यू है, यहाँ पर तुम्हें पब्लिश पे क्लिक करना होगा ताकि तुम्हें ये सब सेव कर पाओ। और पोस्ट सेटिंग्स जो है वो क्या होनी चाहिए, पोस्ट पूरी दिखनी चाहिए फिर छोटी दिखनी चाहिए फुल पोस्ट, तो अगर तुम पोस्ट डालोगे तो दिखेगा, तो इस चीज़ को पब्लिश कर देते हैं एंड क्रॉस। और ये चीज़ें तुम सिर्फ एडमिन ही एक्सेस कर सकता है आईडी पासवर्ड के साथ, और कोई एक्सेस नहीं कर सकता। और अगर तुम्हें यहाँ पर भी लॉगिन और वगैरह चाहिए तो तुम्हें अलग अलग प्लगइन्स इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वो अलग वीडियो में बना दूंगा मैं, अभी बस ये इंस्टॉलेशन वीडियो था। तो यहाँ से तुम नई कैटेगरीज बना सकते हो, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये स्लग मतलब होता है कि यहाँ पर क्या आएगा, वो इसको अगर तुम ना भी हटाओ तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तुम नेम डालोगे, यहाँ पर पेरेंट डालोगे मतलब किसके अंडर आना चाहिए, सब कैटेगरी अगर तुम्हें बनानी है तो यहाँ पर कैटेगरी डिस्क्रिप्शन और ऐड, दैट्स ऑल। और ऑल पोस्ट अगर तुम्हें ऐड करनी है तो ऐड न्यू हेलो वर्ल्ड, ये डिफ़ॉल्ट पोस्ट होती है जिसे तुम डिलीट कर देना। यहाँ पर क्लासिक एडिटर की वजह से तुम ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर टेस्ट 1 2 3 4 5 6 एंड जस्ट आर टेस्ट पोस्ट, देयर यू गो। एंड यहाँ से तुम कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो कौन सी कैटेगरी में आएगा, अगर नई कैटेगरी ऐड करनी है यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे हम कर देते हैं यहाँ पर टेस्ट 1 ऐड, एंड यहाँ पर सेलेक्ट हो गया, और इसको तुम टिक करना ताकि तुम ये वाली कैटेगरी इसमें हो एंड पब्लिश। और यहाँ पर थंबनेल भी कर सकते हो, फीचर्ड इमेज जो होती है वो थंबनेल, मतलब जो पोस्ट का थंबनेल होता है वो पोस्ट पे भी दिखेगा। तो हम अभी वेबसाइट पे जाते हैं, रीलोड, अंदर ये को टेस्ट 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ये पूरी पोस्ट खुल जाएगी, यहाँ पर कमेंट लोग ऐड कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ये एक डिसेंट साइट बन चुकी है, लेकिन इसको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो ये पूरी साइट बन जाएगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, बहुत आसान था ये। अगर तुम्हें और नई नई चीज़ें चाहिए, फ्री चीज़ें चाहिए, तो तुम मेरी साइट पर विजिट कर सकते हो, ज़ायलेस कोड, मैं हर रोज़ डालता हूँ नई चीज़ें। दैट्स इट फॉर द वीडियो, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ताकि और ऐसी वीडियो आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।